इस स्कूल को खाली महज स्कूल ना माने, ये इस अहिरवाल की तक्षशिला के नाम से जाना जाता है। हमारे स्कूल में 10 डिजिटल स्मार्ट बोर्ड है अमित जी, और आज भी आप आए होंगे तो सभी टीचर्स मेरे जिस भी रूम में आप गए होंगे, मेरे टीचर सभी के सभी डिजिटल स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। जब इस इलाके में खाने को अनाज नहीं था, तब इन्होंने 1944 के अंदर इस स्कूल की आधारशिला रखी। उस व्यक्ति की सोच को दाद दीजिए, इस गांव के लोगों की सोच को दाद दीजिए आप, कि उन्होंने हॉस्टल बनाया यहाँ पर। लगभग 52 गाँव के छात्र छात्राएं यहाँ पर पढ़ते थे। हमने रेवाड़ी के बेस्ट से बेस्ट स्कूल, हमने उससे बेहतरीन ड्रेस अपने बच्चों को दी, ताकि बच्चे जब जाएं तो गांव की पसीना चौड़ा करके जाए, आत्मसम्मान बढ़े, गौरव बढ़े और आत्मविश्वास बढ़े। सबसे बड़ी बात है, सारे स्मार्ट बोर्ड को टीचर की अब्सेंस के अंदर मेरे बच्चे खुद ऑपरेट कर लेते हैं। ये मेन चीज़ है हमारे यहाँ बच्चों की, हमारे स्कूल की USP है ये। मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, आप भी मेरे साथ, 10-10.5 एकड़ का मेरा कैंपस है, आप ढूंढ कर भी कहीं से कोई जाड़ा कहीं आपको नजर आ जाए, कोई कागज का टुकड़ा कहीं नजर आ जाए, कोई लिटरिंग आपको नजर आ जाए, कोई रैपर नजर आ जाए आपको, आप खूब अपने कैमरे घुमाइए। आप जो है तो जल प्रबंधन की जो बेस्ट चीजें हैं वो हमारे स्कूल में सारी की सारी मौजूद है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन है, चाहे स्टोरेज है, चाहे वाटर रिचार्जिंग है, वो सब चीजें हमने स्कूल के अंदर की हुई। हर रूम के बाहर एक टैब लगी हुई है, हर रूम के बाहर एक डस्टबिन लगा हुआ है। ये एक यूनिक सफाई जो इतनी इसके अंदर है, इसका कहीं ना कहीं सिरे इन चीज़ों को, व्यवस्थाओं को भी जाता है। किसी भी टॉयलेट में कहीं कोई दाग धब्बा या स्मेल, कितने 260 करीब बच्चे मेरे यूरिन जाते हैं, आपको कहीं पर भी स्मेल घर में भी आपको आ सकती है, लेकिन हमारे टॉयलेट में स्मेल नहीं आएगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि पदभार ग्रहण करने से पहले आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी, और जाहिर है कि छात्रों की घटती हुई संख्या सभी राजकीय विद्यालयों के लिए एक बड़ी चुनौती है, तो आपने इसको किस रूप में देखा और इसको बढ़ाने के दिशा में आपने क्या क्या मेहनत किया? दीपक जी, 12 जनवरी 2023 को मेरा प्रमोशन हुआ डाइट रैंक को, रेवाड़ी से ही हुआ था, और जब मैंने 12 जनवरी को यहाँ पर ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि स्कूल की जो हालत है वो ठीक नहीं थी, बड़ी जर्जर कंडीशन में थी, और स्कूल के अंदर भौतिक सुविधाओं का भी अभाव था। और जब मैंने स्टाफ से मीटिंग की तो देखा कि पिछले 15 वर्षों से लगातार संख्या यहाँ पर गिर रही है, और जब मैंने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का जायज़ा लिया तो वो चीज़ें भी यहाँ पर उस रूप में नहीं थी जिस रूप में होनी चाहिए। हमने सबसे पहले, क्योंकि समय कम था, मार्च में परीक्षा हमारे सिर पर थी, तो हमने एक्स्ट्रा क्लासेस का प्रोविजन सुबह और शाम दोनों समय किया, और मैंने स्वयं उसमें लीड किया। मैं शाम को 1 घंटा 3:30 से 4:30 क्लास लेने लगा, और फिर समाज के अंदर ये मैसेज धीरे धीरे ट्रैवल किया। फिर हमने कहा कि इसकी व्यवस्था को बदला कैसे जाए, फंड हमारे पास नहीं था, तो हमने इस स्कूल के जितने भी एलुमनाई रहे हैं, टॉपर रहे हैं, उन सभी छात्रों से हमने संपर्क किया, तो इस स्कूल की बड़ी बड़ी ऊंच में संपर्क किया, तो उन्होंने सहृदय और इच्छा से कहा कि हम इस स्कूल के उद्धार के लिए आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए और काम आएँ। तो ये मेरी एक अप्रोच रही। तो जब नया सेशन शुरू हुआ तो हमने अपनी मीटिंग, स्टाफ की मीटिंग की, और पूरे स्टाफ को लेकर के हमने 11 गाँव डोर टू डोर कैंपेन किया, और हमारे स्कूल में क्या सुविधाएं हमने मुहैया करवाई हैं उन सब के बारे में बताया। तो सोशल मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हमने पूरा भरपूर प्रयोग किया। उसका प्रभाव ये हुआ कि 15% हमारी जो एनरोलमेंट है बच्चों की, वो इस बार इंक्रीज हुई। हमने 15 अगस्त को एक पहली इस स्कूल की, मैं कहूँ प्लेटिनम जुबली कह लीजिए या एलुमनाई मीट कह लीजिए, ये शायद सरकारी स्कूल पहली अपने प्रकार की होगी, हमने इसके तमाम जितने टॉपर्स रहे उन सबको कॉन्टेक्ट किया, क्योंकि गाँव से उनके एड्रेस लिए, परिवार के लोगों से लिए, कहाँ स्कूल के रिजल्ट रजिस्ट्री को निकाला, एडमिशन विड्रोल को निकाला, और उन सबसे बात की। तो यहाँ एक बहुत बड़ा, आप जो पीछे आप देख रहे हैं, जो ग्राउंड देख रहे हैं, हमने खुले में 15 अगस्त का प्रोग्राम किया, लगभग 700 से 800 के बच्चे के अंदर में लोग आए, और इस स्कूल में पढ़ाने वाले जितने भी अध्यापक आज जिंदा हैं, जो मौजूद हैं, हमने सबको यहाँ पर इन्वाइट किया, और 11 लाख रुपया एक दिन में इसी स्कूल के पढ़े हुए छात्रों ने, समाज के लोगों ने और पंचायत के प्रतिनिधियों ने साथ मिलकर के 11 लाख रुपए का एक डोनेशन स्कूल को दिया, जिससे हमने पूरी कायाकल्प की है। हम क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो हमारे इन गांव के सभी ग्रुप बने हुए हैं जो पंचायत चुनाव थे, तो हम जो एक्टिविटी करते हैं उसकी वीडियो ऑनलाइन हम सभी ग्रुप के अंदर हम डालते हैं। अन्य प्राचार्यों के लिए आप क्या संदेश? मैं चाहूँगा कि वो सभी भी समुदाय को साथ लेकर के, समुदाय से भागे नहीं, समुदाय से डरे नहीं,
ओपन काम करें, ट्रांसपेरेंसी रखें, समुदाय दिल खोल करके संस्थाओं के लिए मदद करता है और ये उदाहरण का हमारे स्कूल है। आपने हमारे स्कूल को चूज किया, हमें इस लायक समझा, उसके लिए मैं डाइट संस्थान का, SCRT का, NCRT का, न्यूपा का, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकारी स्कूलों की जो तस्वीर है आने वाले समय के अंदर बदलेगी और समाज का विश्वास हमारे स्कूलों में दोबारा जगेगा, ऐसी कामना मैं परमपिता परमात्मा से धन्यवाद। मैं दिवेश राज के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कमाड़ी कक्षा 11वीं का छात्र हूँ। मैं निजी विद्यालय से आया हूँ और मुझे यहाँ के किसी विद्यालय से भी ज़्यादा खुशी मिली है। मैंने यहाँ बहुत से चेंजेस देखे हैं जो कि किसी निजी विद्यालय में भी नहीं है, जैसे कि सभी टीचर स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ अब फुली वाईफाई कैंपस है। यहाँ हरा भरा प्रांगण है जो कि हरा भरा पौधों की सिंचाई ड्रिप इरीगेशन के द्वारा की जाती है। मैं पल्लवी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मुझे मेरा विद्यालय बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर सभी अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे विद्यालय का वातावरण बहुत ही स्वच्छ एवं शांतिमय है। यहाँ पर मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती। हमारे नए प्राचार्य श्री अनिल कुमार यादव जी व अन्य सभी स्टाफ सदस्यों ने मिलकर हमारे विद्यालय में कई आमूलचूल परिवर्तन कर दिए हैं। मानसिक प्रतिबिंब या कल्पना को वास्तविक मूर्त रूप देना ही असली नेतृत्व है। उपरोक्त कथन विद्यालय नेतृत्व और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कवाड़ी जिला रेवाड़ी में प्राचार्य के पद पर कार्य कर रहे श्री अनिल यादव के संदर्भ में है। वैसे तो नेतृत्व के अनेक आयाम और परिभाषाएं हो सकती हैं, परंतु उपरोक्त कथन नेतृत्व की सबसे सटीक परिभाषा जान पड़ती है, जिसे अपने ज्ञान अनुभव और कौशल से श्री अनिल यादव ने शत प्रतिशत चरितार्थ करके दिखाया है। प्राचार्य पद पर पदोन्नति से पूर्व श्री अनिल यादव ने SCRT गुरुग्राम हरियाणा, NCRT न्यू दिल्ली, CCRT दीपा व RIE अजमेर द्वारा प्रशिक्षण व अनुभव हासिल कर अपने तक सीमित न रखते हुए उसे धरातल पर हूबहू लागू किया है। 11 वर्ष तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान हुसैनपुर रेवाड़ी में रहते हुए शताधिक नव पदोन्नत प्राचार्य और विभिन्न श्रेणी के अध्यापकों को नेतृत्व कौशल बखूबी पढ़ाया और सिखाया है। जब से श्री यादव ने कवाली में मुखिया का कार्यभार संभाला है, तब से लेकर अब तक उन्होंने विद्यालय में अनेक सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, जिसके साक्षी वो सभी अधिकारी हैं जिन्होंने हाल ही में विद्यालय का दौरा किया है। सर्वप्रथम अगर ढांचागत परिवर्तनों की बात की जाए तो विद्यालय में 10 डिजिटल स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था करना, पूरे प्रांगण को वाईफाई से जोड़ना, परिसर की बेहतरीन साफ सफाई व स्वच्छता बरकरार रखना, पुस्तकालय का जीर्णोद्धार करना आदि शामिल है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का रूपांतरण करना, जो इस बात से परिलक्षित होता है कि श्री अनिल स्वयं को एक प्रशासक बाद में और एक शिक्षक पहले मानते हैं और प्रतिदिन कक्षा 10वीं और 12वीं को स्वयं अंग्रेजी व इतिहास पढ़ा रहे हैं। एक कुशल नेतृत्वकर्ता वह भी है जो अपने निर्णय अपनी टीम पर थोपे बिना आम सहमति का भी ध्यान रखते हुए विद्यालय में उच्च लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित करे। इस बात का प्रमाण विद्यालय द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित एलुमनी मीट कार्यक्रम में देखने को मिला। विद्यालय की जो टीम प्राचार्य के अभाव में लगभग निष्क्रिय सी हो गई थी, श्री अनिल यादव के नेतृत्व में पूरे जोश और जुनून से हर काम करती हुई नजर आई। टीम को साथ लेकर चलना भी श्री अनिल यादव के व्यवहार कौशल का ही परिणाम नजर आता है। उनका अगला लक्ष्य विद्यालय को PM श्री विद्यालय की उपाधि दिलवाना है और हमें पूर्ण विश्वास और आशा है कि वह जल्द ही अपने ज्ञान अनुभव और कौशल से इस लक्ष्य को शीघ्र अतिशीघ्र हासिल कर लेंगे। धन्यवाद।